त्योहारों के बीच बाजार में खरीदी बिक्री काफी बढ़ गई है। एक साल बाद फिर से बाजार गुलजार होने लगे हैं। ऐसे में त्योहार और शादी ब्याह का सीजन होने से सराफा मार्केट भी गुलजार हुआ है। इसी के मद्देनजर शहर के करण कोठारी ज्वेलर्स द्वारा अपने ग्राहकों के लिए 20,000 की खरीदी पर एक लकी लक्ष्मी लकी ड्रॉ कूपन ऑफर रखा गया है, जिसके तहत कई उपहार ग्राहकों को जीतने का मौका उपलब्ध है, जिसका उद्घाटन आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर के हाथों किया गया। इस खास मौके पर करण कोठारी ज्वेलर्स के ओनर करण कोठारी और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मान गंगवानी ने। आइए डालते हैं एक नजर। हेलो वेलकम, मैं हूं मेहमान, आप सभी का वेलकम करता हूं बॉलीवुड कप्तान और आज तक हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बात करें, लेकिन आज नागपुर शहर में एक ऐसी हस्ती ऐसी खूबसूरती, मैं कहता हूं कि ये ना मतलब इनकी एज बढ़ने के बदला कम हो रही है, मतलब इतनी सुंदर होते जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ पहले कि आपकी सुंदरता का राज क्या है। पता नहीं, वो तो ऊपर वाले को ही पता होगा, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी डिसिप्लिन होनी चाहिए लाइफ में। और वो मेरी माँ जो है बहुत सुंदर थी, मतलब है अभी भी, ऑफकोर्स अभी एज हो गई है थोड़ी सी, लेकिन शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो मुझे लगता है हम तीन बहनें हैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत ब्यूटी आया है उन्हीं की तरफ से आया है। इवन माय फादर ही हैड अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, ही इज़ नो मोर, और बड़े पॉलिटिशन गोवा के, तो मिनिस्टर थे लगभग 17 साल। तो माँ को वो साड़ी पहनते देखना, मतलब ज्वेलरी पहनते देखना, वो मेरा एक शौक था। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि उनकी तरह मैं खुद को सजाऊँ, गहने पहनूँ, साड़ियाँ पहनूँ, ऐसा एक शौक था, क्योंकि उनको कुछ भी सूट होता था। तो मुझे लगता है वो खूबसूरती का अगर राज होगा तो मेरी माँ है। क्या बात है करण कोठारी, हमने अगर आप कभी सपने में कोई ज्वेलरी देखते हो, अगर आपको उसे हकीकत में देखना हो तो करण कोठारी ना था आपका सपना हकीकत होते दिखेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आज शॉप में विजिट किया, कैसा लगा आपको, क्या पसंद आया, क्या खास लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी ज्वेलरी शॉप में जब जाओ तो कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए एनवायरनमेंट, मुझे लगता है वैसा है, एक ओपननेस है। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक, बहुत ही स्टफ़ी लगता है एटमॉस्फियर, तो वो ओपननेस मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका डेकोर जो है बहुत अच्छा लगा, और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, तो अभी कोठारी साहब ने मुझे कुछ उनके डिज़ाइंस दिखाए तो वो अलग लगे डेफिनेटली। उनके जो डिज़ाइंस हैं, मतलब ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न, सबको पसंद आएंगे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनको काफ़ी मॉडर्न चाहिए होता है डिज़ाइन, और कभी कभी वो ट्रेडिशनल पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल वेडिंग्स में, वेडिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि वहाँ जो ब्राइड्स हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेसअप नहीं करती हैं, कभी कभी वेस्टर्न ड्रेसअप करती हैं रिसेप्शन में या शादियों में, तो उनको पसंद आएगा ये सब। ये जो डिज़ाइंस यहाँ डिस्प्ले किए हैं, खासकर डायमंड्स, कुंदन और कुछ ऐसे सेट्स थे जो मोती के साथ डायमंड है, तो ये जो अमेलगमेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन किया है बहुत ही सुंदर है और सबको पसंद आएगा। क्या बात है, करण कोठारी आज एक सिर्फ नाम नहीं है, ब्रांड है, सच्चाई है, विश्वास है, लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और पूरे नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक विश्वास है। आप क्या कहना चाहोगे कि हमेशा कस्टमर ने भरोसा किया है? कस्टमर भरोसा तब करता है जब आप फुल ट्रांसपेरेंसी से सब चीज़ बता के, सब कुछ दिखा के आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, तभी कस्टमर आपके पास दोबारा आता है। तो हमारा मोटो यही रहा है, ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी एंड एफिशिएंसी। हमारा यूएसपी इज़ डिज़ाइन, 80-90% प्रोडक्ट्स हमारे जितने रहते हैं दे आर ऑल यूनिक, एवरीथिंग इज़ मेड बाय हार्ट, तो जब जो चीज़ दिल से बनती है बहुत खूबसूरत बनती है। क्या बात है, और ये रिश्ता दिल से बना हुआ है, मैम ये कहना चाहूँ कि एक औरत होती है, जो लेडीज़ होती है, गर्ल्स होती है, उनकी चॉइस बड़ी ही अलग होती है, मतलब वो है ना बहुत बारीकियों से नज़र रखती है, और जब भी वो कुछ पसंद करती है तो डेफिनेटली मतलब जो दिल को छूता है वही पसंद करती है। आपको ऐसी यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी पसंद आई जो आपको दिल पर लगी हो? वैसे तो हर एक चीज़ नवाब है, मतलब कमाल है,
अनकट डायमंड्स के जो हार, मतलब क्या कहते हैं, नेकलेस, वो अनकट डायमंड के कुछ नेकलेसेस मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ज्वेलरी शॉप में मुझे इनवाइट करते हैं, अभी मुंबई में भी मैं गई हूँ, दिल्ली में गई हूँ, कुछ ज्वेलरी शॉप के ओपनिंग भी किए हैं, तो ये जो अनकट डायमंड है बड़ा एक नया कंसेप्ट है, पिछले 4-5 सालों से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और अफोर्डेबल भी है, क्योंकि हर औरत को ऐसा लगता है, वो कहते हैं ना डायमंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड टू अ लेडी, वो एक कहावत ही है और उसमें कुछ मतलब ये नहीं है, तो मुझे लगता है अनकट डायमंड सबको अफोर्ड हो जाएंगे, जिसको भी ऐसा लगेगा कि आई हैव टू ओन अ डायमंड नेकलेस, तो उनको उनके लिए मुझे लगता है ये अनकट डायमंड्स, और बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस हैं, तो एक दो डिज़ाइंस मैंने देखे वो अच्छे लगे मुझे। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैम आज यहाँ से कविता मिलने वाली है कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ, टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।